सुपना देखण वाला है ना उन्हूं तैजस्व कहिंदे ने। वह तैजस्व जीव का अभिमानी जिहड़ा अंदर सुपना देखण वाला, यह अपना दूजा रूप है जिहड़ा आपां अंदर सुपना देखदे हां। चलो यह गल ते दो मन्नियां, पर तीजी गल तेरी किवें मान लई? कहिंदा अज मैं ऐसा सुत्ता मैनूं सुपना ही नहीं आया। कमाल की गल है, इन्ना तू डूंगी नींद विच सुत्ता तैनूं सुपना नहीं आया, इस गल का ज्ञान तैनूं किवें रह गया? इन्नी गूढ़ी नींद विच जदों तेरे कोलों सारियां चीजां चुक के लै जे कोई, तैन तेरा मंजा चुक के भावें असीं कितें होर ही छड्ड आईए, इन्ना गूढ़ी नींद विच सुत्ता फिर भी तैनूं ज्ञान है कि मैनूं सुपना नहीं आया। वह चीज कि जी तैन दसदी कि मैनू सुपना नहीं आया, वह प्राग्ञ है जड़ा जीव की सुखोपत अवस्था का अभिमानी है, उन्होंने कहते हैं प्राग्ञ अवस्था। यह तीनों उपाधियां व्यष्टि माया करके जीव के पैदियां ने, समष्टि उपाधि करके तीन अवस्था ईश्वर दिया ने। ईश्वर वैसे जीव ही है, बस ये भी वह जरा पावरफुल है तो आप जरा कमजोर हैं, उहदे विच कोई पाप पाउंदी ईश्वर विच उह सृष्टि नूं रचण दी शक्ति रखदा है। हुण ईश्वर विच वी एवें ही उपाधियां हुंदियां ने, ईश्वर विच हुंदा विराट, हिरनगर्भ ते इसे प्रकार जिहड़ा इहदे नाल अभ्याकृत, इह तिन ने, तिन उपाधियां ने ईश्वर दे विच। विराट उपाधि जिहड़ी है उह माया दी समष्टि उपाधि करके समुचे रूप विच पूरे ब्रह्मंड विच जिहड़ी जागृत अवस्था दा अभिमानी है, सारे ब्रह्मंड की जागृत अवस्था का अभिमानी। आ जिहड़ा तारे नजर आउंदे ने आपां नूं, चंद्रमा, पहाड़, सूरज, ब्रह्मंड, इन्हां सारियां चीजां का जागृत अवस्था का जिहड़ा अभिमानी है उहनूं कहिंदे ने विराट। विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप कदे कदे किसी किसी नूं दिखाउंदे ने, जिवें अर्जन ने कहा सी कृष्ण जी नूं मैनूं अपना विराट स्वरूप दिखाओ, फिर कृष्ण जी ने बहुत वड्डा रूप दिखाया सी अपना। सो विराट स्वरूप दे विच सत जिहड़े आकाश ने तां सिर मन्निया जांदा ईश्वर दा, परमेश्वर दा नहीं है। सत पताल जिहड़े पैर मन्ने जांदे ने, जिन्ने आपां जीव श्वास लैंदे आ जिहड़ी पौण है उहदियां नासकां मन्नियां जांदियां ने, फिर जिहड़ा चंद ते सूरज ने इह ईश्वर दियां अखां मन्नियां जांदियां ने, उहदा हिरदा जिहड़ा विष्णु मन्निया जांदा, जिहड़े ब्रह्मा अते शिव है ये दो बाहां मन्नियां जांदियां ने उहदियां, ये जिहड़ा अपने शरीर के उत्ते नाड़ियां कम करदियां ने, ये जिन्नियां नदियां ने ना, नदियां धरती ते, ये नाड़ियां ने ईश्वर दियां, जिन्हें अपने हड्ड ने ईश्वर के हड्ड किहड़े ने, जिहड़े पहाड़ ने, रोम किहड़े ने ईश्वर के, जिहड़ी बनस्पति है सारी, अते जिहड़ा उहदा अगला हिस्सा वह हैगा पुन्न, धर्म दा, धर्म रूपी पुन रूपी अगला हिस्सा, पिछला रूप जिहड़ा उहदा पाप गुनाह, यह पिछला हिस्सा, यह ईश्वर दा विराट स्वरूप है। फिर आउंदा दूजा, इहदे विच जिहड़ा आउंदा उह हैगा हिरण गर्भ। माया दी समष्टि उपाधि करके भाव संयुक्त रूप होण करके जिहड़ा ईश्वर दी, पहला तो जागृत अवस्था सी ना विराट विच, हुण जिहड़ा ईश्वर दी सुपन अवस्था का अभिमानी है, वह हिरण दा अर्थ है प्रकाश करना, जिहड़ा इस नूं प्रकाश करदा है ईश्वर दी सुपन अवस्था नूं, उहनूं हिरण गर्भ कहिंदे ने। इहदा तत् बाद च निकलूगा, पहलां सुणन च कुछ नहीं लगना इहने। फिर महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे जिहड़ा अभ्याकृत है, अभ्याकृत ब्रह्म दी जिहड़ा ईश्वर दी सुखोपत अवस्था नूं जणाउंदा उहनूं अभ्याकृत कहिंदे ने, उह ईश्वर दी सुखोपत अवस्था दा अभिमानी है। इउं आपां जीव दे विच तीन गुण कथन कर दिते ने कि जागृत, सुपन, सुखोपत अवस्था दा अभिमानी इधर अंदर बैठा है। तीन भेद जीव दे कहे ने, तीन भेद ईश्वर दे कहे ने। कहिंदे लियाओ ब्रह्म विच इह भेद दिखाओ, मतलब तो एक सिद्ध करना ना। कहिंदे लियाओ ब्रह्म दे विच दिखाओ, ब्रह्म विच जागृत अवस्था है, सुपन अवस्था है, सुखोपत अवस्था है। ब्रह्म दे विच ना जागृत है, ना सुपन अवस्था, ना सुखोपत अवस्था है, वह सदा ही सतगुर जागता है देव। क्योंकि जे उहनूं इह कह दईए ना जागृत विच है, इहदा मतलब सौंदा है, इस करके असीं उहनूं इउं नहीं कह सकते,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇਜਸਵ ਆਦਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਜਸਵ ਤੇ ਪ੍ਰਾਗਯ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਅਭਿਆਕ੍ਰਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਨੇ ਉਪਾਧੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਦਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਨੌ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੌ ਅਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਅੰਕਾਰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੌ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਘਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕੀਤੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਉੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ,
वह कोई आत्मक ज्ञानी ही कर सकता, क्योंकि आत्मक तौर पर यदि विचार होर किस्म की है, वो साड़ी समझ तो परे। जिनी वाहेगुरु ने बुद्धि बख्शी है, वो मुताबक आपने एक परमेसर के अर्थों जानने की कोशिश की है कि एक ही क्यों कहा। इस गल का विचार आप कर चुके हाँ। ओंकार अखर बोलद ही सृष्टि की रचना हो गई। देखो किन्नी छेती इस अखर ने रचना कर दिती। ओंकार कहदिया ही खंड ब्रह्मांड पुरियां सब कुछ बन गया, एकदम सृष्टि की रचना हो गई। ये परमेश्वर जी ने इन्ना अखर कह के अपने आप नूं निर्गुण तो सरगुण विच तब्दील कर लिया। निर्गुण स्वरूप विचों एक जोत प्रकाशमान करके उदे विच माया सतोगुण शुद्ध ते अपनी जोत तिन्ना नूं पा के ईश्वर बन गया। ईश्वर बन के उन्हें सृष्टि की रचना कर दिती। महाराज दसवें पातशाह फरमाते ने प्रिथमै ओंकार तिन कहा। प्रिथमै पहला अकाल पुरख ने ओंकार शब्द की वरतों की। सो धुन पूर जगत मो रहा, ओ ही धुनी जगत विच व्यापक है सारे। ओंकार दे नाल सृष्टि की रचना हुई है। ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, चित चरण नाम अन छिज गात आज जन बात। इस करके अकाल पुरख जो है ओंकार आद रूप जो है उन्हें सृष्टि की रचना ओंकार अखर तो ही की है। जेड़ा अखर आपां ये वरतदे आं उहदे वास्ते सच्चा पातशाह जदों निर्गुण विच कल्ला ही सी ना, उदों नहीं किसे ने उहनूं सच्चा पातशाह कहा, क्योंकि उदों कल्ला ही सी। वह सच्चा पातशाह उदों कहलाया जदों वह माया सबल हो गया। जदों माया दे संयुक्त हुंदा तां वह पातशाह कहाउंदा नाल। सच्चा पातशाह सच्चे पातशाह दीन दुनिया के मालक कहलाउंदे ने उदों आप। ये ओंकार अखर महाराज दसवें पातशाह गुरु नानक देव जी ने प्रगट किया। गुरु नानक देव जी ने पूछया नर्मदा नदी के किनारे उत्ते मांडला शहर पैंदा मध्य प्रदेश दे विच, जबलपुर तो लिंक रोड जिहड़ा 300 किलोमीटर का भलाई स्टील प्लांट नूं जांदा, उहदे रस्ते च इह नर्मदा के किनारे मांडला शहर आउंदा। उत्थे अंदर शहर दे विच पुराणी जी एक छोटी जी जिवें मंदिर हुंदा है बिल्डिंग, पुराणी जी टट्ठी पई आ। उस बिल्डिंग दे विच गुरु नानक देव जी ने बैठ के उस मंदिर विच पांडे नूं उपदेश दिता दक्षिणी ओंकार। वह जिहड़ा दक्षिणी ओंकार बाणी है ना, दक्षिणी तां कहने दक्षिण दिशा विच हो सकती है, वह दक्षिणी बोली विच हो सकती है। वह बाणी का नाम ओंकार है, वैसे बाणी का सरलेख ही ओंकार है, पर वैसे वो दी पछाण वास्ते असीं उन्हूं दक्षिणी ओंकार कहने हैं। सो महाराज सच्चे पातशाह जी ने दक्षिणी ओंकार विच शुरू विच कहा है, ये वचन करते ने सुन पांडे रहाओ दियां तुकाने। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, पंडित जी ये जंजाल च की पाई जाने बच्चियां नूं, आ लिख लिख के फट्टियां पोची जाने हो। कहिंदे की लिखा, कहिंदे लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, राम दा नाम लिख। वो ब्रह्मा दा जिहड़ा मालक है, वो विष्णु दा जो मालक है, वो शिवजी दा जो मालक है। कहिंदे महाराज उन्हां दा मालक कौन, कहिंदे ओंकार ब्रह्मा उत्पत। ओंकार ने ब्रह्मा नूं पैदा किया है।
ब्रह्मा ने फिर जन्म लिया ओंकार तो सीधा ही, यह किसी मां तो पैदा नहीं होया, ब्रह्मा तो डायरेक्ट ही है बस। ओंकार कहनी ब्रह्मा ने जन्म लिया, ओंकार किया जिन चित, फिर उसे ब्रह्मा ने ओंकार नु अपने चित च बसाया, भगती की 10 लख वरा। पहला ब्रह्मा ने देवी की उपासना की, जो देवी प्रगट हुई की इच्छा, कहने सृष्टि के रचण की शक्ति दो मैनू। देवी कह लगी मेरे को नहीं है शक्ति। कहने फिर की करा, कहते तू ब्रह्म की उपासना कर, ओंकार की उपासना कर, परमेश्वर की उपासना कर। गुरु ग्रंथ साहब च वचन आता है, प्रभ घालिया किसा का एक तिल ना गवाई। वाहेगुरु वाहेगुरु 5 बारी कह लो, 2 बार कह लो, थोड़ा खाली नहीं जाता, वह फल मिलेगा। पर इन्हें 10 लख वरा देवी की तपस्या की, इनू की मिलिया? कुछ नहीं मिलिया। हां प्रगट हो गई, पर तेनू मैं दे नहीं सकती ये शक्ति, क्योंकि मेरे हाथ बस कुछ नहीं है। तो महाराज कहने फिर इधर उधर भटकन की लोड़ है। जदों फिर 10 लख वरा परमेश्वर की तपस्या की, ओंकार का जाप किया, निरंकार का जाप किया, उन्हें हिरदे च बसाया, तदों परमेश्वर ने पूछा तेनों की इच्छा है। कह लगे मैं सृष्टि के रचण की शक्ति बख्शो, ता जाके ब्रह्म ने इनू शक्ति दिती। तो महाराज कहने ओंकार ब्रह्म उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। फिर ब्रह्मा ने परमात्मा की भगती करके शक्ति लैके वेद रचना किए ने। सैल जुग भय, सैल जे पहाड़ ने, पत्थर ने, धरतियां ने, युग ने, यह बने ओंकार की कृपा नाल। सो इस करके महाराज कहते ने ओंकार वेद निर्मय, ओंकार करके ही वेदा की उत्पत्ति हुई है। जे ओंकार ना हुंदा तां उहदी उत्पत्ति नहीं सी होनी। ओ नम अखर सुनो विचार, कहिंदे जिहड़ा ओंकार अखर है इहनू विचार विचार के सुनो जपो। ओ नम अखर त्रि भवन सार, तिन्ना भवना का सार रूप है ओंकार, तिन्ना भवना नू बनाउन वाला है ओंकार। इस करके ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल युग पए, ओंकार वेदनमय। तो ये सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी कहते ने ओंकार अखर करके वह वाहेगुरु माया सबल कहाया, निर्गुण तो सरगुण रूप बनाया उस अकाल पुरख वाहेगुरु। मुसलमान ये कहते ने अकाल पुरख ने वाहेगुरु अल्लाह ताला ने पहला कुन, ये 2 अखर की वरतों की। कुन कौन कहने उन्होंने सृष्टि रची, और महाराज कहने नहीं ओंकार पहला परमेश्वर ने उच्चारण किया है। तो ओंकार का जिहड़ा भाव है, संकेती अर्थ है जिहड़ा, इहदा जिहड़ा अर्थ सानू सतगुरु महाराज ने बख्शिया है, ओंकार का भाव ही है जो सभना का प्रकाशक है, हरेक चीज का प्रकाशक है ओंकार। यह संकेती अर्थ है दा, जो सतगुरु ने सानू बख्शिया। बाकी दियां चीजां दा चलो वक्खरियां मन्नियां ने, कई बार सुनिया भी नहीं आपां ने, तारे चंद्रमा सूरज बिजली बुद्धि अग्नि, इन्हां दा प्रकाशक, इन्हां नू प्रकाश देण वाला है। इन्हां कोले अपने आप विच प्रकाश नहीं, प्रकाश वाहेगुरु दिंदा है। जिवें अपनी बुद्धि विच इस वक्त प्रकाश है, तो आपां किरिया कर रहे हैं, सुनदे देखदे बोलदे मैं करदे। जे वाहेगुरु अपनी जोत खिच लवे तां इत्थे कुछ नहीं रहना,
सब बंद हो जाना है, अखां बंद, कन बंद, नक बंद, सब चीजां बंद हो जाएगी। ये सिर्फ ओंकार दे प्रकाश करके ही अपना शरीर चल रहा। जदों ओंकार दी कृपा नाल ये शरीर चल रहा तां महाराज कहिंदे फिर ओंकार दा जाप क्यों भुलाता तुसीं, फिर वो थोनू होर भी प्रकाश देगा, बहुत कृपा करेगा फिर ओंकार।